नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको विदित ही है कि भारत विश्व के इतिहास में एक अनोखा और अनूठा स्थान रखता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को देखने से या अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से यानी सनातन सभ्यताओं में से एक था। अब प्रश्न ये है कि प्राचीन भारत में हम क्या पढ़े हैं? आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारी जितनी भी वर्तमान परंपराएं, धार्मिक विधि विधान हैं, इनकी जड़ें हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जो इसकी जीवंतता का एहसास कराती हैं कि हमारे यहाँ पर कितने विद्वान और गुणी लोग रहे होंगे जिन्होंने इस प्रकार की संस्कृति और सभ्यता की नींव डाली जो आज तक चल रही है। इसीलिए प्राचीन सभ्यता को सनातन सभ्यता या सनातन संस्कृति या सनातन धर्म के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। सनातन है, इसका किसी ने आरंभ नहीं किया, इसको किसी ने चालू नहीं किया, इसी को किसी ने इसकी वो इसका प्रवर्तक नहीं है, स्वयंभू है, प्राकृतिक है, इसीलिए चल रहा है। प्राचीन भारत का इतिहास अपने आप में बहुत रोचक इतिहास है, जो हमें हर पल हमारे स्वर्णिम अतीत की जानकारी देता है। अब इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? उस दृष्टिकोण से मैंने पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास को आठ भागों में बांटा है, जिनको हम क्रमबद्ध रूप से लेंगे। सर्वप्रथम हम स्रोतों के बारे में जानकारी देंगे, उसके पश्चात पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसमें हम इतिहास के प्राचीनतम समय से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक के संस्कृति या सभ्यता की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वह काल है जिसका अध्ययन पूर्णतः पुरातात्विक सामग्री के आधार पर। पूर्व ऐतिहासिक काल के पश्चात हम जिस विषय को उठाएंगे वह है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 250 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक का है। यह वह काल है जिसमें शहरी सभ्यता के अवशेष हमें मिलते हैं, और उससे यह एहसास होता है कि हमारे यहाँ प्राचीनतम समय से ही बड़े विधिवत रूप से व्यक्ति रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता को हम का अध्ययन करेंगे। यह वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता भी कहलाती है। इसका समय 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का है। इसमें हम वैदिक संस्कृति, जिसके आधार पर सनातन परंपराओं या सनातन धर्म के अधिकांश धार्मिक नियम बने हुए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही स्वर्णिम सभ्यता का काल रहा है। उसके पश्चात पूर्व मौर्य काल, जिसका समय 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में, उसका अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद मौर्य काल, जिसका शासन काल 300 से 200 ईसा पूर्व तक का माना गया है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल, जिसका समय 200 से 300 ईस्वी तक का माना गया, उसका अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद गुप्त काल, जिसका शासन काल
300 से 550 ईसा पूर्व तक का है। फिर गुप्त उत्तरोत्तर काल जिसका समय 650 से 750 ईसा पूर्व है, उसका अध्ययन करेंगे। और अंत में राजपूत काल जो 750 से 1200 ईस्वी तक का है, यानी कि सल्तनत शासकों के आगमन तक का अध्ययन हम करेंगे। ये हमारी आउटलाइन रहेगी कि हम किस तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। एक चीज जो मैं आप सबसे चाहूँगा वो ये है कि यह वह इतिहास है जिसको आप पूरे गौर से इसका अध्ययन करें, क्योंकि यह आपको आपके अतीत का एहसास कराएगा, और न केवल एहसास कराएगा वरन हमारी प्राचीनतम जो विधि विधान है उनको वर्तमान तक किस तरह से सतत जिंदा रखा गया है, और वो किस तरह से किन विधियों से उनका हम अनुसरण करते हैं उसके बारे में भी इसमें जानकारी मिलेगी। सर्वप्रथम हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से अपना पाठ्यक्रम चालू करेंगे, उसके बाद हम यह बताएंगे कि वह इतिहास क्या है, और उसके पश्चात अपन प्रिय ऐतिहासिक काल से अपना अध्यापन चालू करेंगे। आज मैंने आपको ब्रीफ किया, कल मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।